तो आज ये वीडियो है यार, कंटिन्यूएशन में टोपोग्राफी का पार्ट टू वीडियो है यार। पार्ट वन में हमने ड्रेनेज एंड सेटलमेंट पैटर्न खत्म किया। नेक्स्ट ऑक्यूपेशन। सो ऑक्यूपेशन से करना था स्टार्ट। ऑक्यूपेशन क्या होता है देखो, पीपल वेयर पीपल लिव्स वही उसका ऑक्यूपेशन बन जाता है। मतलब जहां भी वो काम करेगा वहीं पे वो काम वैसा कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यार, जो कोई पीपल है वो विलेज में रहता है, तो यार अगर यार विलेज में रहता है यार, तो वो क्या करेगा? वो यार विलेज के अंदर ही यार कोई काम करेगा ना। सो यार अगर वो आसपास किसी विलेज एरिया में रहता है यार, तो यार सिंपली वहां पे यार फार्मिंग कर सकता है, अगर वहां पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है। मतलब यार थोड़ा यार टोपो में यार येलो स्पॉट है, तो यार वो क्या कर सकता है? एग्रीकल्चर कर सकता है सिंपली, ठीक है। और यार अगर वो फॉरेस्ट एरिया में रहता है, तो यार वो क्या कर सकता है? कटिंग ऑफ ट्रीज कर सकते हैं, अगर वहां पे ट्रीज कटिंग अलाउ हो तो, ठीक है। वैसे यार खुद यहाँ पे गवर्नमेंट की बातें नहीं करनी है, अलाउ हो तो। फॉरेस्ट में रहता है तो ट्री कटिंग कर सकता है वो, ठीक है। अगर यार वो कहीं पे हंसी दूसरी जगह पर रहता है यार, ठीक है, यहाँ पे कटिंग ऑफ स्टोन्स कर सकता है। स्टोरी वेस्ट एरिया है, जैसे पत्थर काटे जाते हैं, वहाँ कटिंग ऑफ स्टोन्स कर सकता है। कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट आइटम कर सकता है अगर फॉरेस्ट्री में रहता है, ठीक है। तो मतलब, और यार अगर यार वो रहता है फिर सिटी, पर्टिकुलर सिटी में, तो यार जॉब कर सकता है या तो यार बिजनेस कर सकता है, ठीक है। सो यार ठीक है। सो उसके बाद यार नेचुरल एंड मैनमेड फीचर, नेचुरल एंड मैनमेड फीचर यार, फीचर यार जो नेचुरल हुए होते हैं यार, ठीक है, उसे बोलते हैं नेचुरल फीचर। जैसे कि यार रिवर्स, जैसे कि यार फॉरेस्ट, जैसे कि यार माउंटेन, जैसे कि यार हिल्स, जैसे कि यार ट्रीज, ये सब क्या होते हैं? नेचुरल फीचर्स होते हैं जो कुदरत में खुद पाए जाते हैं। उसके अलावा मैनमेड फीचर क्या होते हैं? रेल्स, हट्स, टेम्पल, रोड, स्टैंड एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं? मैनमेड फीचर। वो है हमको टोपो शीट में देखना पड़ता है, इजीली आप देख पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लाइमेट एंड रेनफॉल। सर ये पर्टिकुलर जो मैप होता है गुजरात एंड राजस्थान में होता है, तो यार इसमें ज्यादा बारिश तो नहीं होती है, तो आप 95% तो यार चांसेस जाती है वो होगा विद ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। इस क्लाइमेट एंड रेनफॉल अगर पूछे तो आप बिना सोच समझे लिख दीजिए, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट लिख सकते हैं आप, विद सीजनल रेनफॉल, विद सीजनल रेनफॉल, ठीक है। सो उसके बाद डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये यार मैंने पूरा बना रखा है, आपको दिख रहा हूँ। तो आप अगर इधर जा रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट है, वो आपको समझ आ रहा है, ठीक है। नो 2 सेंटीमीटर ऑफ द मैप इक्वल टू 1 किलोमीटर एक्चुअल हो गया जो ब्लॉक है।